25 जुलाई को भारत चीन सीमा के लाहौल स्पीति के समीप वैकल्पिक पुल को पार करते हुए एक आईटीबीपी जवान का पैर फिसलकर नाले में गिरने से मौत हो गई थी, जिसके बाद आज जवान का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, जहां नम आंखों से परिजनों और सैकड़ों लोगों ने बलिदानी चंद्र मोहन सिंह को अंतिम विदाई दी। वहीं श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने कहा कि सैनिक ने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और उनका ये बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार बलिदानियों के प्रति गंभीर है और सरकार परिवार की हर संभव मदद कर रही है। बता दें कि 55 वर्षीय आईटीबीपी इंस्पेक्टर चंद्रमोहन सिंह डोईवाला के जौली ग्रांड के रहने वाले थे। दरअसल बलिदानी आईटीबीपी इंस्पेक्टर चंद्रमोहन सिंह 25 जुलाई को ड्यूटी के दौरान एक वैकल्पिक पुल को पार करते हुए पैर फिसलने से नाले में बह गए थे, जिसके बाद उन्हें जवानों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। जो चाइना बॉर्डर पर एल एसी पर तैनात थे, देश की रक्षा करते पेट्रोल करते हुए ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस दुख की घड़ी में पूरे भारत की सरकार, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार उनके साथ में खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, नहीं उसकी शहीद के सम्मान में खड़ा रहना, उसकी विद्या का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। आज मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से उस महान शख्सियत को श्रद्धा समर्पित किए, नमन किए हैं और इस दुखी घड़ी में परिवार के साथ हमारी सरकार खड़ी है। और जो हमारी सरकार की घोषणाएं हैं कि शहीदों के नाम पर द्वारों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, विद्यालयों का निर्माण, जो भी ये परिवार चाहेगा उसके अनुरूप किया जाएगा। से भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के इंस्पेक्टर चंद्रमोहन सिंह नेगी जी का देश के लिए अपना बलिदान दिया है और ये परसों बहुत ही दुखद घटना ये हुई। आज पूरा प्रदेश, पूरा देश आज शोकाकुल है कि चाइना बॉर्डर में वो पेट्रोलिंग में थे और उनका उन्होंने दीर्घति को प्राप्त कर लिया। सारे आज सब लोग शोकाकुल हैं, हमारे उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे सैनिक कल्याण मंत्री माननीय जोशी जी भी यहाँ पर आए हैं, हमारे भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारी आईजी, डीआईजी सभी हमारे सैनिक, हमारे भूतपूर्व सैनिक आज उनको